उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लव ट्रायंगल का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले में एक युवक ने अपने दोस्त की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता था। युवती को पाने के लिए युवक ने दोस्त के हत्या की खौफनाक साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। मामला कन्नौज इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है। बता दें कि जगतपुर गांव के रहने वाले गगन गुप्ता और रामू की रिश्तेदारी की है एक युवती से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। गगन गुप्ता और रामू की गांव के ही एक युवक अंकित राजपूत से गहरी दोस्ती। गगन अपने दोस्त अंकित राजपूत से सारे दुख सुख बताता था। रिश्तेदारी की युवती से दोस्ती के बाद गगन ने दोस्त अंकित को बताई थी। इसके बाद युवती से दोनों बात करने लगे। बातचीत के बाद गगन की प्रेमिका को लेकर अंकित राजपूत की नीयत बदल गई और वह भी उस पर नजर रखने लगा। गगन की प्रेमिका और अंकित राजपूत गुपचुप एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ दिनों बाद जब ये बात गगन को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इस बारे में गगन ने अपनी प्रेमिका से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने गगन की एक ना सुनी। थाना इंद्रगढ़ क्षेत्रांतर्गत नहर में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त रामू निवासी जगतापुर उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में 4 नवंबर को परिवारजनों की सूचना पर गुमशुदगी थाना इंद्रगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। परिवारजन द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। प्रेमिका के मोबाइल में गगन का नंबर देख उसका दोस्त ही दुश्मन बन गया। बौखलाए अंकित ने गगन को पहले बियर पिलाई और इसके बाद सूखी पड़ी निचली गंग नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद उसकी छाती पर चाकू से 7 बार किए और बेरहमी से गला रेत दिया। बर्बरता की ये कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही। आरोपी ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया। पुलिस ने नहर की झाड़ियों से चाकू बरामद कर प्रेमिका समेत 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान इस प्रकार से तथ्य प्रकाश में आए कि रामू की हत्या की गई थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, अंकित, अमित और पायल। ये सभी पूर्व से मृतक रामू को जानते थे, उससे दोस्ती थी। 3 तारीख की शाम को अंकित ने फ़ोन करके इसे बुलाया था और जो लड़की है पायल, ये भी लगातार फ़ोन के माध्यम से इससे बात कर रही थी। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जगतापुर निवासी गगन और रामू गुप्ता और अंकित राजपूत अच्छे दोस्त थे। गगन का ननिहाल गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सियरमऊ गांव में, वहां की रहने वाली पायल से उसके प्रेम संबंध हो गए। उसने ये बात दोस्त अंकित को बताई तो एक दिन उसने गगन के मोबाइल से पायल का नंबर चुपके से निकाल कर उससे बात की। गगन जब भाइयों के साथ काम के सिलसिले में खुर्जा चला गया तो अंकित पायल के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाने लगा और गगन से दूर रहने की हिदायत दी। पायल ने भी सहमति दे दी और बताया कि उसने गगन का नंबर डिलीट कर दिया है। अंकित ने जब पायल के मोबाइल की कॉल डिटेल देखी तो गगन का नंबर मिला। देखा कि प्रतिदिन बात भी होती थी। उसी दिन उसने गगन को ठिकाने लगाने की ठान ली। ये अंकित, अमित और मृतक रामू बाइक से नहर के पास पहुंचे थे, वहां पे इन्होंने शराब पी थी। जब इसी दौरान अंकित ने चाकू से रामू पे वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। भाई दूज के दिन अंकित ने गगन को बुलाया और कटैया पुल के पास ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने अंकित की बाइक भी बरामद की है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मुख्य आरोपी अंकित वर्मा, उसका दोस्त अमित उर्फ सुंदर व प्रेमिका पायल को जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी ग्राम पूरा राय निवासी सुजल की भूमिका के बारे में जाँच की जा रही है। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि पायल पहले रामू की गर्लफ्रेंड थी और अब अंकित से बात करने लगी थी, इसी को लेके इनके बीच में विवाद था, जिसके चलते ये हत्या कारित की गई। इसमें इन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अभी तक गगन का मोबाइल बरामद नहीं कर पाई। उसके मोबाइल से कई राज खुलेंगे। माना जा रहा है कि उसके मोबाइल में पायल और अंकित की कई कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसके कारण हत्यारोपियों ने उसका मोबाइल गायब कर दिया। इसके अलावा कई फोटोग्राफ भी होंगे। पुलिस मोबाइल फोन को बरामद करने का प्रयास कर रही है। भले ही कहानी त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष की हो, पर दोस्त ने भरोसे की बुनियाद पर दोस्ती का कत्ल कर दिया। गगन को बचपन के दोस्त अंकित पर बहुत भरोसा था। यही वजह थी कि वह जब भी खुर्जा से आता था तो 24 घंटे अंकित के साथ ही रहता था। प्रेमिका पायल से मिलने के लिए वह अंकित के साथ ही उसकी बाइक से जाता था और रेस्टोरेंट में खाना भी साथ ही खाते थे। अंकित प्लॉटिंग का काम करता है। पायल लालच में आकर उसके साथ हो गई। उसने गगन से बात करना बंद कर दिया तो गगन उसके पास फोन करने लगा। पायल की बेरुखी की वजह से गगन भी भाग गया, लेकिन उसने ये बात अंकित के सामने जाहिर नहीं की। यही वजह थी कि अंकित के एक फोन पर वह घर से चला गया और बहन रूबी से भाई दूज का टीका भी नहीं कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।